मैं काव्या किरण हूँ, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर। और ये मूवी में मेरा कैरेक्टर का नाम है श्रुति, जो बहुत सिंपल स्वीट लड़की है, बच्चों को पढ़ाना चाहती है, बच्चों को दोनों ही मतलब सबको मतलब हेल्प करना चाहती है। तो हीरो भी जो है वो भी सबको हेल्प करता है। तो एक दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एक छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो तभी उन दोनों के बीच में धीरे धीरे बढ़ता है, कहीं ना कहीं श्रुति को भी वो अच्छा लगता है और उसको भी प्यार होता है, धीरे धीरे प्यार उन दोनों के बीच में बढ़ता है। फिर विराट का एंट्री होता है। आज ये फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया रंगे इश्क के करने जाएंगे आप? सॉरी, फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया आज ये रंगे इश्क का, तो रंगे इश्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपको जैसे पता चल रहा है टाइटल से बहुत प्योर लव स्टोरी है। आजकल या तो मूवी बनती है बहुत मेट्रो के लिए बनती है, या फिर बहुत गांव के लिए बनती है, तो ये एकदम बीच में है। आपको एकदम नॉर्मल लड़का लड़की उनके बीच में कैसे प्यार होता है वो दिखते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल है और मेरी फर्स्ट मूवी है। बात करें जो दो लड़कों से आपको प्यार करवाना है, जी, जो प्यार करवाने हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? पर्सनली दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बट कैरेक्टर में दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। जितना स्वीट अच्छा है आर्यन, उतना ही जिद्दी विराट है। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे, मूवी क्या है? मेरा नाम मुजाहिद खान है और मूवी में जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है वो आर्यन का है। आर्यन के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही स्वीट लड़का है, प्यार में विश्वास नहीं रखता है और हमेशा उसकी मम्मी से इसी बात पे लड़ाई होती है। मम्मी बहुत ड्रामेटिक और जैसे फिल्मी मॉम होती हैं उस तरह की है कि तू प्यार कर ले, शादी कर ले, वो सब रोना धोना लगा रहता है उसका, लेकिन ये हमेशा बचता रहता है। और सडनली उसको श्रुति से प्यार हो जाता है किसी इंसिडेंट में, और फिर इन लोगों की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। अब एक बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ कॉमन बॉय जो कि बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड भी नहीं है, जैसे कि हमने बताया कि विराट बहुत एम्पावर्ड है जिसको लड़की पसंद आ जाती है, अब इसकी गर्लफ्रेंड पसंद आ गई किसी को, ऐसे बंदे को जो कि उस एरिया का बाहुबली है, ठीक है, तो हाउ ही हैज टू लाइक, अब वो किस तरह से अपने प्यार को बचाता है ये फिल्म में देखने को आपको मिलेगा। फिल्म की ब्यूटी, मैं सभी लोग बोल रहे हैं, बाद में दोबारा बोलूँगा कि फिल्म की ब्यूटी ये है कि कोई भी एक आम आदमी उससे कनेक्ट कर जाएगा। मतलब जब कोई भी अगर आर्यन की लव स्टोरी देखेगा तो उसको लगेगा कि ये उसकी लव स्टोरी है, बिकॉज हम रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता कि हम 10-10 लोगों को एक मुक्के से गिरा दें, है ना। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि वो जो है विलेन के घर जाता है या जो भी ऑपोजिशन में है उसके घर जाता है, उसके 50 गुंडों को मारता है और हीरोइन को छुड़ा के ले आता है। तो जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे एक कॉमन लड़का अपने प्यार के लिए कर सकता है वो सब वो लड़का करता है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि काफ़ी मेहनत की है हम लोगों ने इस फिल्म में। हाँ, चूँकि इसमें कोई स्टार वैल्यू नहीं है फिल्म में, बट फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी इस फिल्म को देख के डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। आप 5 मिनट फिल्म देखें और 5 मिनट फिल्म देखने के बाद फिल्म फिर आपको जाने नहीं देगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे कोई एक्टर सारे न्यू स्टार्ट करते हैं कभी ना कभी, और लव स्टोरी जो है किसी न्यू के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको फ्रेश दिखने को मिलेगा। लव स्टोरी तो सब पुराने होते हैं, बट फ्रेश दिखेगा आर्टिस्ट के साथ, तो इसीलिए आपको देखना चाहिए। लव स्टोरी है इसीलिए आपको देखना चाहिए, जो रियल लाइफ में लव करते हैं उनको देखना चाहिए। किन के सर के बारे में? जय सर के साथ मैं उनके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो हम आर्टिस्ट जितने भी अच्छे हो वो और अच्छा कर देते हैं हम लोगों को काम करवा के, कैसे उनको काम निकालना है, क्या हमसे अच्छा होगा, वो हमसे काम निकाल देते हैं और बहुत फ्रीडम देते हैं ताकि तुम जितना अच्छा कर सको, और हमने शायद वैसा ही किया है। थैंक यू। मेरा नाम दीपक कुमार है, फिल्म में मैं एक करेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम विराट ठाकुर है। विराट एक ऐसा लड़का है जिसका भाई उस शहर का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है और बहुत पावरफुल है, मतलब नो वन कैन डेयर टू टच हिम, और वो जिसको चाहे जब मर्जी थप्पड़ मार सकता है, ऐसा इतनी पावरफुल उसकी इमेज है। तो उस दौरान किसी प्रोजेक्ट के दौरान, मतलब कुछ काम करते हुए जो फिल्म में आपको पता चलेगा, वो एक लड़की से टकरा जाता है, जो लड़की उसको बहुत पसंद आ जाती है लड़की, और गलती से इस लड़की की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़का होता है आर्यन।
अब आप समझ रहे हैं लड़की को, मतलब अगर लड़के दूसरे लड़के से प्यार है तो उससे प्यार करेगी, चाहे आपकी लाइफ में फिर कोई भी आ जाए, बट ये उतना ही जिद्दी है कि मैंने तुम पे हाथ रखा तो तुम अब मेरी हो। उसके बाद से पूरी कहानी घूम के रह जाती है। उसके लिए फिर तो फिल्म देखिए क्या है। बात करें जय जी के लिए, जी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जय के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से रखता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है, हमें बहुत पैम्पर करके रखता है, बट उतना ही मेहनत से काम भी करवाता है, यही कहना चाहूँगा। तो बहुत पैशनेट है, मतलब एक चीज़ मैंने देखी थी, मतलब मुंबई में मैंने ये देखा है, ही हैज़ वर्कड इन अ वेरी बहुत एवरेज बजट में काम किया इसने, मतलब बहुत छोटी फिल्म है, 2-3 करोड़, 50-60 करोड़ की फिल्मों के आगे, बट इसका जो पैशन है वो इसको मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व होता है कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेगा तो उसको आगे लेके जाएगा, बीच में इसको कोई रोक नहीं सकता, इज अनस्टॉपेबल। जय जी बात करें आपसे तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और फिल्म में आप क्या मूव कर रही है? मेरा नाम जयवीर पंगाल है। फिल्म में भूमिका मेरी ये रही है कि इन सब लोगों ने मिलकर मुझे प्रोड्यूसर बनाया, बस इतनी सी भूमिका रही है, और काफ़ी पैशन के साथ में और बहुत अच्छी प्लानिंग और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट कल्चर से हूँ, मैंने 10 साल होटल लाइन में काम किया है और आई वॉज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर वेरी रिनाउंड होटल ग्रुप, तो वो एक कॉर्पोरेट कल्चर जो मेरे अंदर था मैंने उसको इस मूवी के प्लेटफॉर्म पे इम्प्लाइड करके, लोगों को डेजिग्नेटेड करके, रिस्पॉन्सिबल करके ही बस काम लिया है, जिससे काम थोड़ा अच्छा हो गया, इसी के लिए सब बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ, बस इतना सा है, और काफ़ी अच्छे मतलब लोग मुझे मिल गए, मेरी खुशकिस्मती थी, अदरवाइज फिल्म लाइन में पहला फिल्म मैं बना रहा था तो उस समय बहुत अच्छे लोग मिलना बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है, और आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सब ऑडियंस को हर बार यही बोलूँगा कि उस परसेप्शन से ना जाएं कि नई कास्ट है, नए लोग हैं, बस आप एक बार एक्टिंग देखें और कंपेयर करने तक की मैं परमिशन देता हूँ, आप कंपेयर करके देखो ना कि काम किया कैसा, हर करेक्टर को चुन चुन के मैंने निकाला है और बहुत मेहनत करा के इन लोगों से काम कराया और मेरे को डिलीवरी भी वैसी ही मिली, तो बहुत अच्छी एक्टिंग इन लोगों ने की, और जैसा भी दीपक ने मेंशन किया कि एक बहुत लिमिटेड बजट में हम लोग फिल्म कर गए, उसके पीछे इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा योगदान ये है कि ऑलमोस्ट नन टेक इन लोगों ने काम किया है। आई डोंट रिमेंबर एनी शॉट और एनी सिचुएशन वेयर इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था शॉट करने के लिए या सीन करने के लिए, हो नहीं रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब बहुत फास्ट इन लोगों ने काम किया है, तो हम उसको 45 डेज के स्केड्यूल में पूरी पिक्चर हम पूरी कर पाए, उसके पीछे इन लोगों के एक बेहतरीन एक्टर होने का बहुत बड़ा रोल है। सर सच्चाई ये है, मैं एक बार गाड़ी में ना कुछ गजलें सुनता हुआ जा रहा था और मैं इश्कनुमा हो रखा था, तो मैंने फिर एक इश्क वर्ड उठाया, फिर इश्क वर्ड डेवलप होता रहा तो फिर एक रंग वर्ड आ गया, तो मैंने सोचा रंगे इश्क एक अच्छा टाइटल बनता है, फिर मैंने डायरेक्टर साहब को फोन किया, मैं सर रंगे इश्क रखें फिल्म का नाम? वो एकदम बोले यार ये लॉक कर दो, आप इसको रजिस्टर करा लो, मैं चलो ठीक है सर लॉक कर देते, बस इस तरीके से, ऐसा कोई फैंसी वो नहीं था, बट हाँ मेरे को एक लव ओरिएंटेड फिल्म बनानी थी, जैसे बोला विशाल भारद्वाज से इंस्पायर्ड हूँ, उनके परिवेश पे मेरे को फिल्म बनाने का बहुत जुनून था, तो और फिर इश्क पे फिल्म बनानी थी तो बहुत अच्छा टाइटल लगा, तो ऐसे करके लॉक कर दिया हम लोगों ने। रंग में इश्क है, देखो इश्क में रंग है तभी ड्रामा बनता है। कोई भी आप काम कीजिए सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, बाकी टेक्निकल चीजों के लिए तो आपको सपोर्ट मिल जाती है, आपको आपका कॉन्सेप्ट आपका जो प्रोसेस है वो अगर ऑर्गेनाइज्ड है, आपके पास जो लोग हैं आप उनको डिसिप्लिन्ड कर सकते हो, उनसे यू कैन टेक वर्क आउट ऑफ देम, सो वही बेसिक प्रिंसिपल के बेस पे ही सारे बिजनेस या सारे चीज़ें डेवलप होती है, तो मैंने भी उसी कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में एक टीम डेवलप करके, जैसे मैंने कहा मैं ऐसे ही शुरू नहीं किया कि बस चलो शुरू कर देते, बहुत प्लान करके कंपनी बना के एज ए प्रोडक्शन हाउस अपने आप को इस्टेब्लिश करके छोटा छोटा काम करके फिर एक अच्छी टीम फॉर्म करके तब मैंने इस तरीके से काम किया, और हम लोगों ने नॉन स्टॉप काम किया फिल्म पे। द डे आई रिमेंबर हमने जब शूट करना शुरू किया था 7 जुलाई को, 7 जुलाई से लेके और आज तक एक सिंगल डे ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने बैठ के सोचा भी हो, एक कंटिन्यू प्रोसेस में हमने पूरी फिल्म को पूरा कर दिया। देखिए अगला लुक हम लोग मार्च के सेकंड वीक के आसपास हम आपको देंगे, काफ़ी उस पर वही जैसे मैंने बताया बहुत रिसर्च चल रहा है, काफ़ी चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं, हम लोगों ने 3 बार पोस्टर शूट कर चुके हैं और
अभी नहीं मिल रहा है हमें, हम एक कुछ अच्छी चीज देना चाहते हैं। जैसे इसमें भी आप देखेंगे हम लोगों ने ना पोस्टराइज्ड पोस्टर्स नहीं बनाए, पोर्टफोलियोज नहीं बना रहे हैं, हम कहानी को मास्टर रखे हुए हैं और कॉन्सेप्ट को मास्टर रखे हुए हैं। हमें नहीं है कि हमारा हीरो कितना सुंदर दिख रहा है पोस्टर पे, हीरोइन कितना सुंदर दिख रही है पोस्टर पे, या हमारा विलन या हमारा जो नेगेटिव कैरेक्टर, वो मेरे आर्टिस्ट कितने सुंदर दिख रहे हैं पोस्टर पे, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट कंसीव कर रहा हूँ, हम वो कॉन्सेप्ट कंसीव कर रहे हैं कि हमारी फिल्म कितनी सुंदर लग रही है। हाँ देखिए, फिल्म मेरी हीरो है और हम सबकी हीरो है, और मेरी हीरो है, हम सबकी हीरो, क्योंकि देखिए फिल्म एक बहुत बिगर अम्ब्रेला है, हम सब उसके नीचे, तो उसको प्रायोरिटी पे। देखिए चार सॉन्ग है, एक गाना बैकग्राउंड में है, पांच है इन टोटल। चारों गाने में तीन तो रोमांटिक नंबर है, मतलब उनके वेरिएशंस हैं, और बहुत ही अच्छा रोमांटिक नंबर है जो आप लोगों को जल्दी सुनने को मिलेगा। कुछ म्यूजिक कंपनी से बात चल रही है और मतलब हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एक रोमांटिक नंबर है, एक थोड़ा सा एक हल्का सा एक सीड्यूसिंग सा सॉन्ग आप उसको कह सकते हो, इट्स लिटिल लाइक जो थोड़ा सा फिल्म को एक पेस डिफरेंट टाइप की देता है। बट दोनों गाने हैं वो सब, जो जैसे हमने ये भी नंबर डाला है वो भी स्क्रिप्ट की डिमांड है। आप उसको देखोगे तो लगेगा नहीं कि ये गाना, जैसे कि जैसे लोग करते हैं कि आइटम नंबर डाल दो बस, ठीक है आइटम नंबर डाल दिया, लॉजिक नहीं प्लेस हो रहा है। तो उसमें भी एक प्रॉपर लॉजिक है कि ये गाना ऐसा है और ये क्यों यहाँ पे आया, और वो स्टोरी के साथ साथ वो गाना ग्रो करता है, तो ऐसा है। और एक हमारा एक सैड सॉन्ग है वो लड़का लड़की के बिछड़ा वाला। तो बेसिकली चार गाने हैं, एक मेल फीमेल में रोमांटिक नंबर है, एक वो गाना है जो थोड़ा आइटम नंबर है, और एक तीसरा गाना है सैड सॉन्ग, और एक गाना हम लोगों ने बैकग्राउंड में यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा गाना। ऑडियंस से फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार ट्रस्ट कीजिए कि नए लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और आपको फिल्म देख के लगेगा कि जो फिल्म है वो फिल्म की तरह बनाई गई, एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं बनाई गई।